हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं लोगों का सलाद बनाने जा रही हूँ। मैंने इसे रात में भिगने डाल दिया था पानी में। ये आधा किलो लोबे है, देखिए मैंने इसे रात में पानी में भिगने डाल दिया था। अब मैं इसे कुकर में डालती हूँ। ये जो लोबे है मैं कुकर में डाल रही हूँ। इसमें का पानी, मैं जो रात का पानी है वो पानी फेंक दे रही हूँ। और ये पूरा पानी इसमें, ये लोबे इसमें डाल दे रही हूँ। देखो से क्या होता है, रात में भिगने डालने से अच्छी तरह फूल जाते ही, रात में भिगने डाले थे इसलिए इसलिए मैं इसको रात में भिगने डाली। सुबह में कुकर में डाल दिए तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं ये अभी देखो एक लोटा पानी डाल रही हूँ। अभी सेकेंड वाला, दो लोटे पानी डाली मैं इसमें। देखो ये इतना हो गया इसमें। ओके, क्योंकि आधा किलो है इसलिए मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला है। मैंने अब चूल्हा चालू किया और इसे मैं 4 सीटी तक रखूंगी। 4 सीटी के बाद चूल्हा बंद करके उसके बाद सालन प्रिपेयर करेंगे अपन। अब मैंने क्या किया है, प्याज लिया, मीडियम साइज के प्याज 3 लेके मैं उसे पेस्ट बना ली। और टमाटे, 5 टमाटे लिए मीडियम साइज के, उसका भी पेस्ट बना ली। मैं एक भगोना ली, भगोने में तेल डालूंगी इसमें। एक, दो, तीन, चार, पांच, पाँच चमचे मैंने तेल डाला है। अब इसमें मैं प्याज डालूंगी। अब इसे अच्छा सा भूनूंगी। थोड़ा सा आँच मैंने स्लो रखा था, तेज कर लूंगी और भूनूंगी। तेज भी नहीं, मीडियम में रखना है। अरे मीडियम में रखी, थोड़ा सा लाइट हो गया पानी में से। मैं अब स्मॉल टीस्पून अदरक लहसुन डाल रही हूँ। स्मॉल टीस्पून, यहाँ पर अपने लोगों के कुकर की सीटी बज रही है।
थोड़ी सी प्याज लाल हो गई बालने से अपन टमाटर डाल देंगे, तो इसमें प्याज की जो बो रही थी कच्ची वो मर जाती वो। ये देखो प्याज से कलर चेंज हो जाता है, जब हमने डाला तो अपना जो डाला था वो वाइट कलर था, थोड़ा सा ब्राउन हुआ, लाइट ब्राउन हुआ, थोड़ा लाइट ब्राउन हुआ बाद में से। लाइट ब्राउन हुआ बाद में से इसमें अपन टमाटर डाल देंगे, ग्राइंड करे हुए टमाटर जो है ना वो डाल देंगे इसमें। बोला था ना मैंने मीडियम साइज़ के चार पांच टमाटर लिया है मीडियम साइज़, उसको ग्राइंड करके रखी थी जो मैं अलग, वो अब इसमें मिला रही हूँ। मिला के अब आंच को स्पीड कर देंगे, मीडियम साइज़ में रख देना जब से, स्पीड कर देना। और लोगों के कुकर का मैं सीटी बंद, चूल्हा बंद कर दी, पांच छः चार सीटी हो गए थे तो बंद कर दी मैं। ये हरी मिर्चियाँ तीन ली मैं, तीन हरी मिर्चियाँ ली, इसको कट मारी बीच में से, बीच में से कट मारी, देखो दिख रहा ना ऐसा छुरी लेके कट मारी। अभी इसमें तीन हरी मिर्चियाँ डाल दे रही हूँ और इतनी सी हल्दी डाल रही हूँ। एक चम्मच मिर्ची और मैंने ये एवरेस्ट का छोले मसाले ली मैं, ये वन स्पून डाल रही हूँ। और इसमें अब धनिया का वन स्पून ले रही हूँ, छोटा छोटा वन स्पून धनिया पाउडर का, छोटा वन स्पून ले रही हूँ। और इसमें अब वन स्पून जीरा पाउडर ले लें, अब इसको पूरा अच्छा मिलाना, अच्छा मिक्स करना और इसको अच्छा भुनना। पूरा भून के उन्हें सूखा होके तेल आया था बाजुओं से, जब तक इसको अच्छा भुनना। इसमें नमक डालना, देखो नमक में एक डाली, हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेना। इसको अच्छे से ये बहुत उछलता भूलते होते देख के संभाल के जरा। अब देखो इसमें हल्के से यहाँ तेल छुट रहा, देखो बाजुओं से दिख रहा तेल छुट रहा, इसका मतलब क्या, सालन अपना अच्छा घुले जा रहा, स्मेल भी अच्छी आती। अब देखो इसमें से तेल घुले जा रहा था, मैं यहाँ करिए सीम में मीडियम पे रख दी चूल्हे को, मीडियम में रख के इसको अच्छा भूले रही, इसके बाद उसे तेल निकल जाए ऐसा। अभी कुकर ठंडा हो गया, कुकर ठंडा हो गया, मैं इसकी सीटी खोल के कुकर खोल दे। अब इसमें करिया पाक डाल रही हूँ मैं, तीन काड़ियों के तीन काड़ियाँ डाली करिया पाक के। अभी फिर तेल अलग छुट रहा, देखो अच्छा तेल अलग साइड से छुटना शुरू हो गया था, उसका मतलब पकड़ा सामान, अच्छा सामान भुने गया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसमें गोभी डाल देती हूँ, लोगों का पानी में एक बाउल में निकाल दी थी,
पूरा सा पानी एक बाउल में निकाल के अगर अपने को ज़रूरत पड़ी तो पानी इसमें मिक्स करना। अब मैं इसका आंच स्पीड कर दी। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी और मेरे को थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ी, थोड़ा थोड़ा पानी डाली इसमें। सालन थोड़ा लूज होना है ना मेरे को, इसलिए ग्रेवी के जैसा होना है ना, तो थोड़ा सा पानी इसमें डाली मैं। लोगों का पानी जो निकालती थी थोड़ा सा डाली, तो इतना सा लूज हुआ वो। इससे मैं ये बड़े टेप चमचे से 3 चमचे डाली मैं पानी फुल फुल करके। अब इसको ज़रा अच्छा पकने दो, पके जब तक के पकते पकते थोड़ा तेल आता ऊपर, इसके बाद दम पे बटर डाल के चूल्हा बंद कर देना। मैं कोथमीर कट करके इसमें दम पे डाली, कोथमीर को बारीक बारीक कट कर ली, कट कर लेके इसमें डाल दी दम पे। डाल के इसमें मिला दिया। अच्छा तो ये सालन हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से पकड़ा, देखो थोड़ा सा पानी खींचे भी गया, देखो दिख रहा। जब मैं जब डाली तो पानी ज़रा पतला पतला था ना, अब तो थोड़ा पानी खींचे होके गाढ़ा हो गया, देखो मेरा कितना गाढ़ा हो गया। अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ, दिख रहा ना कितना गाढ़ा हो गया है, देखिए कितना गाढ़ा है। अब दम इसको दम पे सिम पे रख देती हूँ थोड़ा। चलिए तेल पे हो गया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर तेल आ जाता। फिर जब क्या करना, चूल्हा बंद करने से पहले बटर डाल के इसके ऊपर बटर डाल के थाली ढाक के चूल्हा बंद कर देना। थोड़ा सा बटर डालिए, डाल के चूल्हा बंद करना, इसको थाली ढाक। देखो सालन हो गया ये, अब दिख रहा है ना पूरा सा हो गया। अच्छा देखो तेल आना शुरू हो जा रहा है इसमें थोड़ा सा। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, छोटे स्पून से 1 चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ और इसको अच्छे से हिला रही हूँ। अब 2-3 मिनट के बाद चूल्हा थाली ढाप के रख के चूल्हा बंद कर दो। थाली ढाप दो, 2-3 मिनट के बाद इसमें बटर डाल के, थोड़ा सा बटर डाल के इसके अंदर क्या बोले से चूल्हा बंद कर दो 2-3 मिनट के बाद। ये हो गया आपका राजमा का सालन तैयार। अब आप रोटी के साथ या नहीं तो फिर पूरी के साथ खा सकते हैं। थैंक यू।